नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्फी मिरर, हर पल आपके साथ। खालिद खान अमर रहे, खालिद खान अमर रहे, खालिद खान अमर रहे। আমি অনুরোধ করব ওর বাবা মাকে, ওর বাবা মাকে, এরপরে আমি যে আপনারা ফুল এবং পুষ্প দিয়ে আপনারা ওনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। দিল্লি তো আমারা নিকলনে বলা থা আসানসোল কর্পোরেশন তক, लेकिन किसी कारणवश हमें परमिशन नहीं मिला, इसके कारण हम निकाल नहीं पाए। लेकिन हमारा मुख्य मुख्य उद्देश्य यही है कि आज एक साल होने को है मेरे भाई का हत्या का, जो उनके ससुराल के नज़दीक में ही उसको बहुत बेदर्दी से मार दिया गया था। लेकिन एक साल होने के बाद भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और ना ही सभी तरह से हमें कोई उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक सारे अपराधी फरार हैं। सिर्फ दो को जिस दिन हमें फायर किए थे सिर्फ दो ही लोग पकड़ाए हैं, उसके बाद अभी तक एक भी अपराधी पकड़ाया नहीं है। सरकार से क्या गुहार करने चला जी? हमारे पूरा फैमिली का और पूरे समाज का सरकार से यही उम्मीद है। हमने बहुत आस लगाए हुए हैं कि मेरे भाई को न्याय मिले। अगर यहाँ का प्रशासन, हमें जिस पे इतना भरोसा है यहाँ के प्रशासन पे, अगर वो एक साल में भी अभी तक कुछ केस को आगे नहीं बढ़ा सके, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप हाथ जोड़ के प्रशासन से कि हमारे भाई का जांच को आगे बढ़ाए, चाहे वो सीआईडी को दे, चाहे वो सीबीआई को आगे बढ़ा दे, क्योंकि एक साल हो गया है लेकिन हमारे परिवार अभी तक आस लगाए बैठे हैं कि जितने भी कातिल थे वो सलाखों के पीछे जाए। लेकिन अभी सब आराम से घूम रहे हैं, सिर्फ दो का बेल का इंतजार करने के, दो लोग का बेल होगा, बाकी सब फिर मूल्यांक घूमेगा। लेकिन ये लड़ाई जो अभी हम लड़ रहे हैं आगे भी लड़ते रहेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा चाहे तो भूख हड़ताल होगा, भूख हड़ताल में पूरे परिवार के साथ बैठेंगे, चाहे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, या फिर मुख्यमंत्री के आवास में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक आवाज़ को पहुंचाना है, तो हम लोग वहां भी जाके धरना प्रदर्शन करेंगे या भूख हड़ताल में बैठेंगे। जब तक मेरे भाई का न्याय ना मिले तब तक हम लोग लड़ते ही रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अरमान खान, मैं खालिद खान का काउंसिलर का बड़े भाई हूँ, वार्ड नंबर 66। उसके बारे में बोला स्टेट गवर्नमेंट का काम से हुआ चीज होना चाहिए, ये सीबीआई जांच का मांग होना चाहिए, और नहीं तो जो गुलदार आदमी लोग हैं वो भी है, वो अगर ये इन्फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है तो वो नकली कर सकता है और जांच सीबीआई जांच का ऑर्डर देते हैं। लेकिन बात ये रह गया कि आप पुलिस का कहना है कि भाइयों ने उसका जिसका नाम है वो सिंधु भगा हुआ मेरा है, अभी तक मैं लोग को अरेस्ट करवा दी, लेकिन जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक पूरा केस कम्प्लीट मिलो, मैंने पेपर कम्प्लीट नहीं होगा। दादा, परिवार का डिमांड है कि सीबीआई जांच हो, एक साल हो गया है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एक बात हुआ क्या चाहते हैं, सीबीआई का नियम है आपके जाना चाहिए, चाहे वो पुलिसवार का आदमी लोग करें, वो ट्रैकिंग करें, उसके लिए जो नियम है जज उसको ऑर्डर देता है, ऑनलाइन तो गवर्नमेंट का सर्विस से वो ऑर्डर देता है, तो जहाँ पुलिस का एक पर कंप्लीट नहीं होता है वो गवर्नमेंट का सर्विस देगा नहीं। दादा, आप एक विधायक हैं, आप एक विधायक हैं, साथ ही खालिद खान जो थे आप ही के पार्टी के पार्षद थे, तो पार्टी के थ्रू आप किस तरह से उनका सहयोग कर पाइएगा उनको इंसाफ दिलाने में? पार्टी का तरफ से
इनको जो भी आप लोग जो भी दोस्ती है उनको शास्त्र के लिए शुरू सब लोग मांग रखते हैं। खाली हमारा ध्यान समझ में मेरा पूरा पार्टी रखा है, ये बात को मेरा पार्टी रखा है और ऐसा करके केस दिया है। आप लोग देख रहे हैं जो दोनों पकड़ा गया दोनों फुसा में अभी तक है जेल नहीं मिलता केस स्टेटमेंट जेल को इंटर के रखा लेकिन उसका फुसा हुआ दोनों मिल जाने से केस चालू हो जाता है अभी किसको इन्फॉर्म। धन्यवाद।